फ्री टैलेंट हंट, आर्ट, हैंड राइटिंग, सिंगिंग, मिलेंगे ट्रॉफीज, मेडल्स, गिफ्ट्स या आर्ट किट्स। पहले तो आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने हमारे इस कंपटीशन को इतना प्यार दिया, इस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ हमें दिए, अच्छे खासे लाइक्स दिए, 140 प्लस लाइक्स, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करे और हमें इतना अप्रिसिएशन दिया। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इस मिराकुलस कॉम्पिटिशन की एंट्रीज। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम विनर को एज अर्लियर टोल्ड वोटिंग के आधार पर नहीं सेलेक्ट करेंगे। ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमें पता चल सके कि आपको किसकी एंट्री ज़्यादा पसंद आ रही है, जिससे हमें फाइनल डिसीजन लेने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए इस कंपटीशन की पहली सिंगिंग टैलेंट वीडियो, जिन्हें परफॉर्म किया है सुपर टैलेंटेड गर्ल्स कात्यानी मिश्रा ने, और इनकी वॉइस आपको बहुत ही पसंद आएगी। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारू जैसी झंकी सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी, तू सदियों से भी लंबी आपको इस शानदार कवर का फुल वीडियो देखना है तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन्हें सपोर्ट जरूर करें, दे आर लिटरली टैलेंटेड। अब कॉम्पिटिशन को हम लोग मेन वन से शुरू करते हैं। पहली एंट्री है लक्ष्मी मित्तल की, जिन्होंने मकर संक्रांति की हैंड राइटिंग पेश करी है विद अ गुड हैंड राइटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है कृष्टि भक्ता। कविता इजहर चैनल के हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में मकर संक्रांति पर इन्होंने हैंड राइटिंग प्रेजेंट करी है और ये भी काफ़ी अच्छी है। पहला आर्टवर्क आया है खुशी उमेश श्रृंगी की तरफ से, जिन्होंने ये बढ़िया आर्टवर्क पेश किया है। अब बात करते हैं इनकी फ़ोटो की, तो आप देख सकते हैं यही है खुशी उमेश श्रृंगी। नेक्स्ट है ईशान अहमद, जिन्होंने मकर संक्रांति की हैंडराइटिंग पेश करी है। नेक्स्ट नंबर पर है मोमिन साहिल, जिन्होंने एसे राइटिंग हैंडराइटिंग करी है मकर संक्रांति पर, और इनकी हैंडराइटिंग भी ऑलमोस्ट गुड है। बस इनसे एक गलती ये हो गई कि इन्हें दो पेज में नहीं बल्कि एक पेज में सबमिशन करना है, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है सोहम मंडल, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये हर आर्ट कॉम्पिटिशन में बहुत ही अच्छी आर्ट बनाते हैं और इसमें भी इन्होंने अपनी पूरी कोशिश जी जान लगाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवेंथ की, जो है सौम्या अग्रवाल, इन्होंने भी इंडिपेंडेंस डे पे अपनी एक अच्छी कोशिश करी है टू ड्रॉ। नेक्स्ट अब बात करते हैं सरदा बरक की, और इससे पहले सॉरी कि मैंने इसको इंडिपेंडेंस डे बोल दिया, ये रिपब्लिक डे ड्रॉइंग है। नेक्स्ट है सरदा बरक, जिन्होंने मकर संक्रांति पर हैंड राइटिंग करी है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है संगीता पोनकर, जिन्होंने मकर संक्रांति पर ये हैंडराइटिंग पेश करी है, डेट इज़ एब्सोल्युटली गुड, और ये है इनकी फ़ोटो, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आगे आते हैं सौम्या अग्रवाल पर, तो इनकी ड्राइंग हम देख चुके हैं और ये इनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट है सरबजीत कुमार प्रजापति, जिन्होंने भी एब्सोल्युटली ऑसम आर्टवर्क ड्रॉ किया है और आप इनके आर्टवर्क को देख कर यही कहेंगे। तनुश्री दास, ये है मकर संक्रांति हैंडराइटिंग की नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट, जिन्होंने भी ठीक ठाक हैंडराइटिंग करी है। नेक्स्ट है अनीशा कुमारी, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया आर्टवर्क बनाया है। नेक्स्ट है प्रत्यूषा चक्रवर्ती, और इन्होंने तो शिनचैन ही बना दिया है आर्टवर्क में रिपब्लिक डे के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं मकर संक्रांति पर, इन्होंने एक हैंडराइटिंग भी दी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ एक ही इवेंट यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, चाहे आप तीनों का भी हिस्सा बन जाएँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, तो
पंकज कुमार एक कंटेस्टेंट जिन्होंने मकर संक्रांति पर बिल्कुल अमेजिंग हैंडराइटिंग करी है जो कि बिल्कुल पॉलिश्ड और स्टाइलिश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौहान रोशन मुरली की हैंडराइटिंग के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने भी अपनी अच्छी कोशिश करी है टू राइट और इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जानवी केसरी की जो कि है नेक्स्ट आर्ट कंटेस्टेंट, इनकी ड्राइंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आन्या गुप्ता, इन्होंने भी रिपब्लिक डे ड्राइंग करी है। इसके बाद आते हैं शेख तुबा पे, यह है नेक्स्ट कंटेस्टेंट जिन्होंने भी रिपब्लिक डे पर एक आर्टवर्क शो किया है। टेस्टेंट है पायल जिन्होंने मकर संक्रांति पर यह हैंडराइटिंग पेश करी है विद पॉइंट वाइज तो ये भी अच्छी है। अब बात करते हैं 20th एंट्री की, तो वह है लविश प्रजापति जिन्होंने भी एक अच्छा आर्टवर्क बनाया है। मोहम्मद जुनैद है 21th एंट्री जिन्होंने भी बहुत ही बढ़िया आर्टवर्क बनाया है। नेक्स्ट है आशीष अग्रवाल, जिन्होंने भी मकर संक्रांति पर अच्छी खासी हैंडराइटिंग करी है। नेक्स्ट है अरीवा निगम, इन्होंने भी मकर संक्रांति की हैंडराइटिंग में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है कात्यायनी मिश्रा, तो आप इनका तो सिंगिंग सुन ही चुके हैं। और इसके बाद आती है एक और सिंगर जिनका नाम है इश्मिता दास, तो इनकी भी सिंगिंग आप सुन लीजिए। को बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। हमारे नेक्स्ट आर्ट कंटेस्टेंट है सुजोद राशिद जिन्होंने भी अच्छी ड्राइंग बनाई है ऑन रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है जीएस रौनित, इन्होंने भी पूरी कोशिश करी है। नेक्स्ट है एसएम मोहम्मद नूरुल नवाज, और इन्होंने तो बहुत ही गजब ड्राइंग बनाई है, लिटरली फैंटास्टिक। नेक्स्ट है अमन मोर, इन्होंने भी रिपब्लिक डे पर ठीक ठाक ड्राइंग बनाई है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति की एक और हैंड राइटिंग एंट्री जो अमन मोर ने ही पेश करी है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि दो इवेंट्स नहीं सिर्फ एक ही इवेंट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है 38 काव्या मदान एंड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, जिन्होंने भी बहुत ही बढ़िया हैंड राइटिंग पेश करी है। शी इज अ ड्यूअर व्यूअर ऑफ अवर चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए बाकी एंट्रीज हम लोग रखते हैं पार्ट टू के लिए, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तो उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर कॉम्पिटिशन के साथ भी जुड़े रहें। अगर ये इन्फॉर्मेशन जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें और हाँ, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ, टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।